सभी बच्चों का वर्चुअल स्वागत है। क्लास नाइन्थ के लिए है, टॉपिक है साउंड अध्याय 12। इसमें अध्याय 12 में कुछ ध्वनि से संबंधित कुछ कंटेंट जो बताऊंगा, जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं एनसीईआरटी की बुक्स में। इसके बाद इसमें जो प्रतिध्वनि और पराशब्द ध्वनि के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले ध्वनि क्या है, ठीक है, ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है, ध्वनि तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर क्या है, तरंग के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, ध्वनि चाल, तरंग की चाल, आवृत्ति और उसका तरंग दैर्ध्य में क्या रिलेशन है, श्रव्य तथा पराश्रव्य ध्वनि क्या होती है, पराश्रव्य ध्वनि के एप्लीकेशन क्या है, इसके प्रयोग क्या है, प्रतिध्वनि क्या होती है और ध्वनि का परावर्तन और ध्वनि परावर्तन की व्यवहारिक अनुप्रयोग, इतने टॉपिक लिए गए हैं इसमें। तो सबसे पहले ध्वनि क्या है, तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें जो हमें कानों में सुनने की अनुभूति के द्वारा होती है। अब ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि प्रहार के द्वारा, प्रहार के द्वारा भी ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे चम्मच से थाली को बजाते हैं तो एक प्रहार करते हैं, ठीक है ना, कई उदाहरण है प्रहार के जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। दूसरा है खींचने के द्वारा, सभी देखते हैं जो वाद्यंत्र होते हैं जैसे वायलिन है, गिटार है, इनमें जब वायर को खींचा जाता है, जो तार को खींचते हैं, तो भी उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। खींचने के द्वारा हो गया, फूंकने के द्वारा भी ध्वनि उत्पन्न होती है। फूंकना का मतलब जैसे सीटी बजाते हैं या बांसुरी बजाई जाती है, तो उसमें जो छेद बने हैं उसमें एयर को अपन भेजते हैं, उसमें कंपन होते हैं, तो फूंकने के द्वारा भी ध्वनि उत्पन्न होती है। रगड़ के द्वारा किसी टेबल को हम जब खींचते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जिस प्रकार से ध्वनि उत्पन्न करने, किस प्रकार से उत्पन्न होती है, वो मैंने आपको बताया। अब ध्वनि क्या है, आपको दिख रहा है स्लाइड में कि ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है, ठीक है ना, जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचारित होती है, किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं जो मानव के कान से सुनाई पड़ती है, ठीक है ना। तो ध्वनि जब माध्यम में जो ऊर्जा संचरित होती है तो माध्यम के कण जो हैं वो दोलन करने लगते हैं, एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, कंपन करने लगते हैं, दोलन करने लगते हैं, और इस प्रकार से अपनी जो इसकी स्थिति है उससे कंपन करेंगे, अपने स्थान से नहीं हटेंगे। तो दूसरे कण माध्यम के जो कण होंगे, जैसे वायु है, वायु के अणु होंगे, ठीक है, उसको ऊर्जा देंगे, एक अणु दूसरे अणु को ऊर्जा देगा, दूसरा तीसरे अणु को ऊर्जा देगा, इस प्रकार से जो है ऊर्जा है हमारे कानों तक पहुंचती है। हमारे कानों में एक एयर ड्रम होता है, कान का पर्दा जिसको बोलते हैं, उसके पास भी एयर का मॉलिक्यूल्स होगा, उसमें भी कंपन होगा, वो पर्दे से टकराएगा और जो ध्वनि उत्पन्न होती वो हमको सुनाई देगी। जैसे उदाहरण, जब विद्यालय की घंटी बजती है तो वाइब्रेशन होता है घंटी में, वाइब्रेशन के पश्चात जो उसके पास निकट जो वायु के कण हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें कंपन होता है, फिर एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को ऊर्जा देता है, इस प्रकार से दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और इस प्रकार से जो माध्यम के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो वायु के अणु हैं, उनमें कंपन होते हैं और हमारे कान तक वह ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है, कि ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है, कोई वस्तु जब कंपन करती है उसमें वाइब्रेशन होता है, उसमें दोलन होता है, ठीक है, इधर उधर गति करती है तो उसमें कंपन होते हैं। ऐसे अब कंपन की जैसे पक्षी भी पंखों को फड़फड़ाता है,
तो उसमें भी कंपन हो रहे हैं, तो उसकी ध्वनि भी हमको सुनाई देती है। इसी प्रकार से जब मच्छर दहनाता है तो उसके भी छोटे छोटे पंखे उसमें कंपन होते हैं, वो हम सुनाई देती है। ऐसे दैनिक जीवन में कई उदाहरण हम देख सकते हैं जिसमें वाइब्रेशन होते हैं, दोलन होते हैं, इधर उधर गति होती है, उससे हमको ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, आवाज आ रही सभी को? जी सीहोर नसुल्लागंज सीहोर में आवाज आ रही बेटे आपको? नसुल्लागंज सीहोर, ठीक है, ओके, हैंड नीचे कर लीजिए। अब ध्वनि तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम में ध्वनि संचरित हो सकती है, केवल ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ठोस में इसकी चाल सबसे अधिक होती है, इसके बाद गैस में, इसके बाद जल में, सॉरी इसके बाद गैस में, वायु में इसकी चाल होती है, मतलब वायु में चाल सबसे कम होती है, ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। इसके लिए हम एक प्रयोग आपको जो दिया है क्रियाकलाप आपकी बुक में विद्युंटी का दिया हुआ है, चित्र 12.6 में देख सकते हैं आप, बुक से आपके पास बुक्स भी खोल के रखिए। ठीक है, चित्र 12.6 में एक घंटी, विद्युत घंटी को एक जल में रखा गया है जिसमें एक नीचे पंप लगा हुआ है, उस पंप की सहायता से उसमें निर्वात किया जाता है, उसमें वायु का दाब कम कर किया जाता है, इससे धीरे धीरे निर्वात होता है। तो जब पूर्णता उसकी एयर है उसके अंदर, तो जो आवाज घंटी की आवाज हमको तेज सुनाई देती है। ठीक है, जब हम उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत घंटी लगी हुई है, और जैसे जैसे हम पंप की सहायता से उसको निर्वात करते जाते हैं, एयर को कम करते जाते हैं, तो क्या होता है, घंटी की आवाज जो है हमको धीरे धीरे सुनाई देती है। और एक समय बाद जब पूर्णतः उसे के अंदर निर्वात हो जाता है जार के अंदर, तो पूर्णतः घंटी की आवाज सुनाई नहीं देती है। इससे यह सिद्ध होता है कि वायु ध्वनि तरंगों को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। मतलब ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? यांत्रिक तरंगे होती हैं, ये भी नोट कर लें, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ध्वनि की प्रमुख विशेषताएं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश तरंगे जो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंग है, जब उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। ध्वनि संचरण के लिए एक माध्यम मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है, ठोस द्रव गैस और प्लाज्मा, एक फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर होता है, गैस के बाद प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। द्रव गैस और प्लाज्मा में ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य तरंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के रूप में चलती है, जबकि ठोसों में यह अनुपस्थ तरंग ट्रांसफर वेव्स के रूप में संचरण करती है। जिस माध्यम में ध्वनि होता है, यदि उसके कण ध्वनि की गति की दिशा में ही कंपन करते हैं, तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और जब माध्यम के कणों के कंपन ध्वनि की गति की दिशा की लंबवत कंपन करते हैं, तो उसे कौन सी तरंग कहते हैं? उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो सामान्य ताप और दाब पर वायु में ध्वनि का जो वेग है लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। वायुयान इससे भी अधिक तेज गति से चल सकते हैं, जिसे सुपरसोनिक विमान कहा जाता है। ये शब्द भी याद रखने, नोट कर लें। ठीक है, मानव कान लगभग 20 किलो हर्ज मतलब 20,000 हर्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को ही सुन सकता है। बहुत से अन्य जंतु जो है इससे भी बहुत अधिक आवृत्ति की ध्वनि, जो डॉल्फिन जो चमगादड़ होती है, सुन सकते हैं। ठीक है, तो माध्यम की आवश्यकता होती, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती। एक सिंपल जो स्प्रिंग लें, स्प्रिंग हम खींच के छोड़ दें, तो उसमें इस प्रकार से जो बनेगा, इस प्रकार से देखें, कुछ इसके फेरे जो होते पास पास, कुछ दूर दूर हो जाएंगे, फिर कुछ पास पास होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसा उसमें यदि खींचते हैं, जो सिल्की होती है उसको यदि खींचा जाए, ये खिलौनों में होती है, इस प्रकार से उसको खींचे, तो इस प्रकार की स्थिति उसमें निर्मित हुई है। तो
उन क्षेत्रों को जहां स्प्रिंग की जो कुंडलियां पास पास होती हैं उसे संपीड़न कहते हैं। ये पास पास हो गया, इसको संपीड़न, और ये जो दूर दूर होते हैं उसको विरलन कहते हैं। तो ये पास पास आ गया, ये संपीड़न, ठीक है। तो इस प्रकार से जो तरंगें होती हैं, जो अध्ययी तरंगें होती हैं, इनमें क्या होती हैं, संपीड़न और विरलन बनती हैं। इस प्रकार किसी माध्यम में जो ध्वनि संपीड़नों तथा विरलनों की के रूप में संचित होती है, ये तरंगें कौन सी कहलाती हैं, अनुदित तरंगें कहलाती हैं। इन तरंगों की में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होता है। कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, लेकिन अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे होते रहते हैं, मतलब दोलन करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ध्वनि जो संचरित होती है उसको कौन सी ध्वनि बोलते हैं, कौन सी अनुदैत तरंग कहते हैं, मतलब ध्वनि तरंगे होती हैं, अनुदैत तरंगे होती हैं। ये भी नोट कर ले, ध्वनि तरंगे अनुदैत तरंगे होती हैं। यदि इसको एक स्पीकर के द्वारा इस प्रकार से देखें, तो इस प्रकार से कंपन आपकी बुक में भी बना हुआ है कि जिसे पास पास जो कंपन होते हैं वायु के, ये पास पास हुए, कुछ दूर दूर बताए गए हैं, इस प्रकार से देखिए, फिर पास पास होते हैं इस प्रकार से, फिर दूर दूर बना सकते हैं वो संपीड़न विरलन जैसा जी, इस प्रकार से, ठीक है। ये पास पास इसको वायु में संपीड़न, इसको संपीड़न, वायु की कण पास पास कंपन, यहां दूर दूर इसको विरलन, फिर पास पास बना संपीड़न और फिर विरलन, इस प्रकार से बनते हैं इसमें जी। इस प्रकार से देखिए कि जब कोई वस्तु कंपन करती है तो इस प्रकार से दूर दूर पास पास जो कंपन बनते हैं, तो जहां पर ये संपीड़न, यहाँ पर डेंसिटी अधिक है, पास पास है अणु, इसको संपीड़न किया, जहां दूर दूर होते हैं उसको विरलन कहा, फिर पास पास होते हैं उसको संपीड़न कहा। इस प्रकार से जो तरंग होती है और विरलन बनते हैं। तो जिस प्रकार से संपीड़न है, या इसको एक तरंग के रूप में हम देखें, यहां पर अधिकतम डेंसिटी तो अधिक, फिर यहां न्यूनतम, फिर अधिकतम और फिर न्यूनतम, ठीक है। जिस प्रकार से अधिकतम हो गया विस्थापन, न्यूनतम हो गया या अधिकतम जिस समय हो गया, ठीक है, फिर अधिकतम फिर न्यूनतम, जिस प्रकार से इसमें बनते हैं। अब कुछ तरंग की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को देखेंगे कौन कौन सी इसके अभी लक्षण होते हैं ध्वनि तरंग के। तो पहला है आवृत्ति, ठीक है ना, आवृत्ति की परिभाषा क्या होती है, आवृत्ति को देखें। जी पांडुरना में बेटा आप लोगों को आवाज आ रही का, छिंदवाड़ा पांडुरना हैंड ऊपर करी, यस, नोट करते जाइए। इसमें आवृत्ति क्या होती है, मैं स्लो बोल रहा हूँ, आवृत्ति, ठीक है। तो प्रति सेकंड में जो दोलन संख्या, एक सेकंड में जो दोलन होते हैं उनकी संख्या, उनकी संख्या को ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। इसको काय से नोट करते हैं, इसको एन या न्यू से इस प्रकार से बनाते हैं, एन या ऐसा एक न्यू पढ़ते हैं, इसको ग्रीक अक्षर है न्यू, एन या न्यू से इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहते हैं, इसे न्यू या एन से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक हर्ज होता है, ठीक है, हर्ज नोट कर लें,
इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक हर्ज होता है। दूसरी जो इसकी लक्षण है, तरंगदैर्ध्य क्या होता है? तरंगदैर्ध्य की परिभाषा देंगे कि ध्वनि तरंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है। तो तरंगदैर्ध्य में जो संपीड़न और विलयन जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना, तो दो संपीड़नों या दो विलयनों के को कहते हैं उस तरंग का तरंगदैर्ध्य कहते हैं। दो निकटतम संपीड़नों या दो निकटतम विलयनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग का तरंगदैर्ध्य कहते हैं। दो निकटतम संपीड़नों या दो निकटतम विलयनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग का तरंगदैर्ध्य कहते हैं। जैसे देखिए, ये संपीड़न है दो, या विलयन ले ली हमने दो निकटतम, ये विलयन एक विलयन ए बनता, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी होगी वो कहलाएगी क्या? तरंगदैर्ध्य लैम्डा। या दो संपीड़न ले सकते हैं, एक संपीड़न ए बना हुआ है, एक संपीड़न ए बना हुआ है, इनके बीच की जो दूरी होगी वो तरंग का तरंगदैर्ध्य कहलाएगा, लैम्डा कहलाएगा। दो संपीड़नों, चित्र में भी दिख रहा है ये रिफ्रैक्शन और कंप्रेसर, ठीक है ना, इनके बीच निकटतम दूरी है उसको क्या कहेंगे? तरंग का तरंगदैर्ध्य कहते हैं। या इसमें भी देख सकते हैं जो अधिकतम जो विस्थापन हो रहा है ये लैम्डा है, या जो न्यूनतम हो रहा है ये वाला ये भी लैम्डा है, ठीक है ना। तो दो अधिकतम संपीड़नों, क्रमागत संपीड़नों या क्रमागत विलयनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग का तरंगदैर्ध्य कहते हैं। अब आवर्तकाल, आवर्तकाल की परिभाषा, तरंगदैर्ध्य का मात्रक मीटर होता है, ठीक है, इसको नोट कर लें, तरंगदैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। अब आवर्तकाल, आवर्तकाल जो होता है दो क्रमागत संपीड़नों या विलयनों को एक निश्चित बिंदु से गुजरने में, एक निश्चित बिंदु से गुजरने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? उस तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। एक बार फिर परिभाषा इसकी सुन लीजिए, इसमें क्या कहा गया है? दो क्रमागत संपीड़नों या क्रमागत विलयनों को किसी एक निश्चित बिंदु से गुजरने में जो समय लगता है उस समय का कहते हैं, उस तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक सेकंड होता है, आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है, तो इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। और आवर्तकाल और आवृत्ति में भी संबंध होता है, तो टी बराबर होता है 1/n, या आवृत्ति है ये टी है, तो टी बराबर 1/n, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एन बराबर 1/t, ठीक है, संबंध याद रखें, आवृत्ति आवर्तकाल में संबंध जो होता है टी बराबर 1/n या एन बराबर 1/t। अब आयाम क्या होता है? आयाम को देखें तो किसी माध्यम में मूल स्थिति से दोनों ओर जो अधिकतम तरंग का जो विक्षोभ होता है, अधिकतम होता है, उसे तरंग का क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। जैसे ई वाला अधिकतम विस्थापन हुआ, ये दिख रहा है आपको, पेन चला रहा हूं, तो ये अधिकतम जो विस्थापन है ए तरंग का क्या कहलाएगा? आयाम कहलाएगा। इसे इसका मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है। तो आयाम का मात्रक मीटर होता है, इसे इस माले से प्रदर्शित करते हैं। तो जिस प्रकार से कुछ इसके लक्षण थे ध्वनि तरंगों के, कि कौन कौन से इसके लक्षण होते हैं, उनको मैंने देखा। इसके बाद और भी एक होता है प्रबलता। हेलो हेलो, प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता अधिक होगा और प्रबलता कम होती है तो उसका तारतम्य अधिक होता है। तीव्रता, तीव्रता से संबंधित ध्वनि की तीव्रता जो डेसिबल में मापी जाती है, तो ध्वनि की प्रबलता तो उसका तारतम्य क्या होता है? कम होता है, और प्रबलता कम है तो उसका तारतम्य अधिक होता है। जिसे इसको देखें चित्र के द्वारा, इसे देखिए, ये आवृत्ति इसकी कम है, आवृत्ति कम, तारतम्य निम्न, तारतम्य आवृत्ति
कम है तो तारत्व्य निम्न है। निम्न होगा इसी प्रकार से यदि आवृत्ति बढ़ जाती है, आवृत्ति कंपन अधिक होंगे, आवृत्ति अधिक हो गई कंपन अधिक, आवृत्ति अधिक है आवृत्ति अधिक तो तारत्व्य उच्च होता है। अच्छा तारत्व्य उच्च बड़े में लिख के तो इस प्रकार से यदि आवृत्ति कम है तो तारत्व्य कम होता है और आवृत्ति अधिक है तो तारत्व्य अधिक होता है। जैसे तारत्व का तीव्रता से भी संबंध होता है, जैसे शेर का दहाड़ना इसकी तीव्रता अधिक होती है तो इसका तारत्व्य कम होगा। ठीक है, तारत्व का होता तीव्रता अधिक होती है तो तारत्व्य कम होता है। जैसे शेर का दहाड़ना इसकी तीव्रता उच्च होती है अधिक होती है इसका तारत्व्य कम होगा। मच्छर का भनभनाना इसकी तीव्रता कम होती है इसका तारत्व्य होगा। ठीक है, ये संबंध जरूर याद रखें कि तीव्रता अधिक है तो तारत्व्य कम होगा और तीव्रता कम है तो तारत्व्य अधिक होगा, एक दूसरे के विपरीत क्रम में होता है। इसी प्रकार से आयाम अधिक है तो प्रबल ध्वनि होगी और आयाम कम है तो मृदु ध्वनि होगी। ठीक है, जैसे देखें एक इसका आयाम अधिक है तो ये प्रबल ध्वनि आयाम अधिक है इसका, एक दूसरी बनाते हैं इसका आयाम कम है ये आयाम कम हो गया तो मृदु ध्वनि होगी। ठीक है, मृदु ध्वनि मतलब कम तीव्रता वाली। ठीक है, क्योंकि आई ई पर डिपेंड करता है। ठीक है, आई ई पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो ए स्क्वायर, ए अधिक है तो तीव्रता प्रबलता अधिक होगी और ए कम है तो तीव्रता प्रबलता कम होगी। ये ध्वनि के कुछ लक्षण थे। ठीक है ना, जिसमें आवृत्ति आवतकाल आयाम और तरंग देर क्या है, प्रबलता क्या होती है, तारत्व किस पर डिपेंड करता है, मृदु ध्वनि कब होगी, प्रबल ध्वनि कब होगी, इसी से संबंधित एक छोटा सा जो सूत्र है जो बताया था कि भी चाल ध्वनि की चाल उसका तरंग देर और आवृत्ति में संबंध, ध्वनि की चाल ध्वनि की चाल भी ध्वनि का तरंगदैर्ध्य लैम्डा और आवृत्ति आवृत्ति निकालते हैं। किस किस में तीन कौन कौन सी हैं, भी ध्वनि की चाल तरंगदैर्ध्य लैम्डा और आवृत्ति एन, इसमें संबंध निकालना चाहते हैं तो तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर होता है टी आवतकाल, टी में आवतकाल टी में चली गई दूरी ये अपन जानते हैं। ठीक है ना, या दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणित समय, ने पढ़ा होगा गति वाले चैप्टर में, तो दूरी बराबर क्या लिख सकते हैं हम चाल गुणित समय, या चाल को भी और समय किस टी में टी लिख दिया। अभी मैंने बताया था आपको चूंकि टी बराबर होता है वन अपान एन, व्युत्क्रम होती है आवृत्ति आवतकाल की, चूंकि टी बराबर वन अपान एन इसलिए एन लैम्डा। ठीक है, ये संबंध आ गया वी इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये भी आपकी बुक्स में दिया हुआ है। तो भी चरतरंग की चाल है, लैम्डा
एन आवृत्ति है और लैम्डा क्या है तरंगता तरंग दैर्ध्य, तो v इज इक्वल टू एन लैम्डा, इसको नोट कर लिया v इज इक्वल टू एन लैम्डा। चलिए इसके बाद अब श्रव्य पराश्रव्य ध्वनि क्या होती है उस पर देखेंगे। अब श्रव्य एक रेंज होता है ध्वनि का जो आवृत्ति कहां से कहां तक हुई है, तो अब शब्द ध्वनि जो वो कहलाती है जो 20 हर्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि होती है, 20 हर्ज से जिनकी आवृत्ति कम होती है ये भी सुनाई नहीं देती हैं, इनको बोलते हैं अब श्रव्य ध्वनि। ठीक है, दूसरा है श्रव्य, श्रव्य ध्वनि मतलब जो 20 हर्ज की जो आवृत्ति की जो ध्वनि है उनको कहते हैं कौन सी ध्वनि, श्रव्य ध्वनि। 20 हर्ज से 20,000 हर्ज की ध्वनियों को श्रव्य ध्वनि कहते हैं, या 20 किलो हर्ज भी लिखा जाता है क्योंकि 1 किलो हर्ज बराबर 1000 हर्ज होता है, तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज की जो ध्वनियां होती हैं उनको बोलते हैं कौन सी ध्वनियां, श्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि 20,000 हर्ज से अधिक आवृत्ति की जो ध्वनियां होती हैं उनको बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनियां। ठीक है, इनको नोट कर लिया, अब शब्द ध्वनि 20 हर्ज से कम वाली, शब्द ध्वनियां 20 हर्ज से 20,000 हर्ज की जो ध्वनियां हैं, और पराश्रव्य जो 20,000 हर्ज से अधिक की जो आवृत्ति की जो ध्वनियां हैं उनको क्या बोलते हैं, कौन सी ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ये डॉल्फिन और जो चमगादड़ हैं ये ध्वनि उत्पन्न करती हैं। इसमें वो वेवलेंथ बताया गया है स्लाइड में, एम्पलीट्यूड क्या होता है। अब अनुपस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में कुछ अंतर बताएंगे। ठीक है ना, अनुपस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर, तो अनुपस्थ तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनमें माध्यम के कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, तो वो अनुपस्थ तरंगें कहलाती हैं। कौन सी, क्या अंतर है, पहला कण के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं तो अनुपस्थ तरंगें कहलाती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें क्या हैं, कण के कंपन तरंग संचरण की दिशा के क्या होते हैं, समानांतर होते हैं, तो कौन सी तरंग कहलाती है, अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। अभी हमने देखा था कि जो अनुदैर्ध्य तरंगों में संपीड़न तथा विरलन बनते हैं और अनुपस्थ तरंगों में शीश तथा गर्त बनते हैं। अनुपस्थ तरंगें जो है ठोस द्रव की सतह पर संचरित होती हैं, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगें ठोस द्रव तथा गैसों में संचरित होती हैं। ये अंतर नोट कर लें, अनुपस्थ तरंगें तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में कोई तीन अंतर है। ठीक है, तो तरंगों की विशेषताएं और अनुदैर्ध्य तरंगों की विशेषताएं, जो प्रकाश तरंगें होती हैं, जो सूर्य प्रकाश आता है वो अनुपस्थ तरंग होती हैं, और जो ध्वनि तरंगें होती हैं इनको कौन सी तरंगें बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं। ध्वनि तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगें हैं और प्रकाश तरंगें जो होती हैं अनुपस्थ तरंगें होती हैं, और जो प्रकाश तरंगें जो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, और ध्वनि तरंगें होती हैं जो यांत्रिक तरंगें होती हैं। तो जिस प्रकार से प्रमुख अंतर हैं जो अनुपस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर को हम पा सकते हैं। अब ध्वनि का परावर्तन, जैसे प्रकाश तरंगों का परावर्तन होता है वैसे ध्वनि का भी परावर्तन होता है, मतलब ध्वनि का परावर्तन जो है उन्हीं नियमों का पालन करती है जिससे प्रकाश जो है प्रकाश तरंगों में परावर्तन होता है। इसका क्रियाकलाप भी आपके उसमें दिया हुआ है परावर्तन का, कि दो इसमें पाइप लिए हैं, इसमें एक और घड़ी रखी गई है और दूसरे उसे सुनते हैं, तो घड़ी की आवाज जब दोनों एक ही कोण पर झुके होते हैं उसमें बीच में एक लंब खींच दिया जाए, तो जब एक ही दोनों बराबर होते हैं तो वो ध्वनि जो घंटी की जो आवाज है, ठीक है ना, घड़ी सॉरी घंटी घड़ी रखी है, घड़ी की आवाज सबसे अधिक सुनाई देती है,
और जैसे जैसे उसको एंगल को या उसको झुकाते जाते हैं उसकी आवाज कम होती जाती है। तो मतलब ध्वनि तरंगें भी परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं और इसके कई उपयोग हैं ध्वनि के परावर्तन के। जैसे लाउड स्पीकर में जो हॉर्न जो हैं एक विशेष तरह एक शंकु के आकार के बनाए जाते हैं, जिससे कि जो ध्वनि तरंगें हैं एक ही दिशा में फैलें, बिना किसी विशेष दिशा में ना जा सकें। एक इसमें स्ट्रेस को जो डॉक्टर लोग लिए रहते हैं वो भी परावर्तन ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या होती है, साउंड जिसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि ध्वनि के परावर्तन के कारण, क्या ध्वनि के परावर्तन के कारण ध्वनि की पुनरावृत्ति, ध्वनि की जो पुनरावृत्ति होती है उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। अधिकतम देखते हैं जब पहाड़ के हम आवाज देते हैं तो वही आवाज हमको पुनः सुनाई देती, जो खान होती है या पहाड़ होते हैं वहां पर हमें आवाज जोर से चिल्लाए तो वही आवाज हमको वापिस आ जाती है। जो खंडहर होते हैं या जो भवन, बड़े बड़े भवन होते हैं तो आवाज सुनाई देती है, वो कहलाती कौन सी, प्रतिध्वनि। ठीक है, ध्वनि के परावर्तन के कारण ध्वनि की पुनरावृत्ति, क्या लिखा हुआ है इसको भी नोट कर सकते हैं आप, ध्वनि के परावर्तन के कारण ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है, प्रतिध्वनि कहलाती है। हमारे मस्तिष्क में जो संवेदना है 0.1 सेकंड तक बनी रहती है, अर्थात मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लिया कि ध्वनि के परावर्तन के कारण ध्वनि की पुनरावृत्ति प्रतिध्वनि कहलाती है। हमारे मस्तिष्क में इसकी जो संवेदना है 0.1 सेकंड तक बनी रहती है, अर्थात मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए। ठीक है, ये हुई पर प्रतिध्वनि क्या होती है, इसके उदाहरण मैंने बताए हैं आपको प्रतिध्वनि के। अब प्रतिध्वनि सुनने के लिए इसकी दूरी क्या होना चाहिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए देखिए आगे, देखिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी तो 22 डिग्री सेल्सियस के, इसमें दिखा है 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होती है, 344 मीटर प्रति सेकंड। 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड होती है। अवरोधक तक जाने, कोई जो ध्वनि जाएगी तरंग अवरोधक तक जाएगी और तथा उससे परावर्त श्रोता तक, जो सुन रहा है श्रोता तक 0.1 सेकंड के पश्चात पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, ये भी हम जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो दूरी कितनी है, दूरी क्यों रखा, क्योंकि तरंग को डी दूरी तक वहां जाने परावर्तक सतह से जो अवरोध है उस तक जाती है डी दूरी, और डी दूरी वो वापिस आती है, तो डी प्लस डी कितनी हो जाएगी तय की दूरी, 2D दूरी उसके द्वारा तय की जाएगी। जैसे परावर्तक है सतह है एक, देखिए ये परावर्तक सतह है, यहां से तरंग यहां डी दूरी तक जाती है और यहीं से परावर्तित होकर के वापस आती है, तो डी कितना हो जाएगा, डी धन डी यानी 2D कितनी दूरी तय करेगी, 2D दूरी तय करती है। तो अवरोध तक जाने तथा परावर्तन के पश्चात वापस श्रोता तक 0.1 सेकंड में पहुंचना चाहिए, तो दूरी बराबर चार गुणे समय, दूरी का मान रख दिया 2D, चाल 344 हमको दी गई है और समय कितना अंतराल है 0.1 सेकंड। ठीक है, इसको हल किया तो 2 बराबर 34.4 मतलब 34.4, इसलिए डी का मान कितना हो जाएगा, इसका आधा कर दें तो 17.2 मतलब इतनी दूरी पर यदि श्रोता है तो उसको प्रतिध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, ये प्रतिध्वनि हुई। अब पराध्वनि, पराध्वनि जो है
पराध्वनि मैंने अभी बताई थी आपको कि पराध्वनि जो होती है जो 20 हर्ज से अधिक आवृत्ति की, अधिक आवृत्ति की जो ध्वनि तरंग होती हैं उनको कौन सी कहते हैं, पराध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो पराध्वनि 20 किलो हर्ज से अधिक, 20 किलो हर्ज से अधिक की ध्वनियों को पराध्वनि या पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इनको हम सुन नहीं सकते हैं और जो चमगादड़ या दाल पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब इसके उपयोग भी हैं, पराध्वनि के कुछ उपयोग देखें पर कि कौन कौन से उपयोग होते हैं पराध्वनि के। तो सबसे पहले पराध्वनि का उपयोग जो है, बच्चों को कुछ सर्पदाकार कुछ पुर्जे होते हैं उनको साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो वस्तुओं को साफ करने में पराध्वनि को उपयोग ऐसे भागों को साफ करने में किया जाता है जहां तक सरल तरीके से हम नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ कल्प पुर्जे होते हैं, कुछ सर्पदाकार नलियां होती हैं, उनको साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो वस्तुओं को पराध्वनि के उपयोग में, वस्तुओं को साफ करने में, तो इन्हें साफ करने के लिए उन्हें एक मार्जन विलयन होता है। मार्जन विलयन में उसे सब वस्तु को जिसको हमको साफ करना होता है उसको रखते हैं, फिर उस विलयन में पराध्वनि जो तरंगें होती हैं उनको भेजा जाता है। ठीक है, विलयन में किसको भेजेंगे, पराध्वनि तरंगों को भेजा जाएगा, जिससे उच्च आवृत्ति के कारण इनकी आवृत्ति चूंकि हाई है पराध्वनि तरंगों की, तो उच्च आवृत्ति धूल के कण या चिकनाई के कण क्या होते हैं, अलग होकर नीचे गिर जाते हैं, जिससे वह वस्तु क्या होती है, साफ हो जाती है, उसमें धूल जो जमा होती है वो अलग हो जाती है। इस प्रकार से पराध्वनि का जो उपयोग है, पराध्वनि का उपयोग किसमें करते हैं, जो वस्तुएं होती हैं उनको साफ करने में, या पुर्जे होते हैं सपला का जो वस्तुएं होती हैं जहां पर सरल तरीके से उनको साफ नहीं कर सकते हैं वहां पराध्वनि का उपयोग करके इनको साफ किया जा सकता है। दूसरा उपयोग है किसी धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने में। दूसरा अनुप्रयोग इसका है किसी धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने में। जो बड़े बड़े जो पुल बनाए जाते हैं उसमें बड़े बड़े जो पिलर बनाए जाते हैं धातुओं के बनाए जाते हैं उसमें किसी प्रकार का छिद्र तो नहीं है, कोई दरार तो नहीं आ जाती है, इसका पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। अब देखें कैसे, तो जहां पर क्या बताते हैं इसमें, जैसे एक ब्लॉक है, इसमें एक कुछ दरार है या कुछ छिद्र आ गया बीच में, तो पराध्वनि को इस भेजेंगे। यहां पर एक डिटेक्टर होता है, ये आपकी बुक में भी बना हुआ है इसका डायग्राम, एक यहां पर बना दिया, तो जहां दरार या होता है ब्लॉक में वहां से पराध्वनि ये वापिस आ जाती है। ठीक है ना, इस प्रकार से यहां से मुड़ करके वापिस आ जाती है। बाकी जो सही है, किसी की कोई दरार नहीं है यहाँ पर, तो वहां से पराध्वनि सीधी निकल जाती है। तो इससे पता चलता है कि किस भाग में जो ब्लॉक बना हुआ है उसके किस भाग में या तो दरार है या कोई छिद्र आ गया है, तो इसके दोष को पता किया जा सकता है। तो इस प्रकार से पराध्वनि का ये दूसरा उपयोग है, किसी धातु के ब्लॉक में जो दोष आ जाता है उसको पता लगाने में पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। तीसरा है जो शरीर के आंतरिक अंगों से यकृत होता है, पित्ताशय होता है, ठीक है ना, इनका प्रतिबिंब देखने में, प्रतिबिंब प्राप्त करने में भी पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। पराध्वनि के अनुप्रयोग भी हैं, ये आपने देखे इसके तीन अनुप्रयोग इनको उत्कल। अनुदरण, अनुदरण कहलाता है कि जो गूंज होती है, गूंज जिसको बोलते हैं अनुदरण, तो किसी बड़े हाल में उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है दीवारों से बार बार
उसका क्या होता, परावर्तन के कारण काफी समय तक बनी रहती है, जब तक कि यह इतनी कम ना हो जाए कि यह सुनाई ना पड़े। यह बार बार जो परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बंध होता है, गूंज होती है, वो क्या कहलाती है, अनुरणन कहलाता है। जो गूंज बड़े बड़े कमरों में देखते हैं, हॉल वगैरह, सिनेमा हॉल, इसमें गूंज ना हो, इससे बचने के लिए, गूंज को कम करने के लिए, अनुरणन को कम करने के लिए क्या कहते हैं, भवन की जो छत है या दीवारों पर ध्वनि अवशोषक या पदार्थ लगाए जाते हैं, जैसे फाइबर बोर्ड हैं या खुरदरी प्लास्टर हैं, अथवा पर्दों का उपयोग किया जाता है अनुदरण से बचने के लिए, गूंज ना हो इससे बचने के लिए इनका उपयोग करते हैं। सोनार क्या है, सोनार मेथड से भी देखें इसमें जी, सोनार जो है इसका जो शब्द है, सोनार शब्द साउंड नेविगेशन एंड इंजिंग से बना है। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिससे जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सोनार में एक प्रेषित तथा एक डिटेक्टर होता है, एक प्रेषित होता है, एक संसूचक होता है। तो प्रेषित जो है पराध्वनि उत्पन्न तथा प्रेषित करता है, उत्पन्न भी करता है, उनको भेजता है। तो ये तरंगे जो होती हैं जल में चलती हैं तथा समुद्र तल में पिंड से, जो पिंड होता है उससे टकराने के पश्चात परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण जाती हैं। ठीक है, डिटेक्टर के द्वारा, संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं और संसूचक पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलता है, जिनकी उचित व्याख्या करके अनेक जो चीजें होती हैं समुद्र के अंदर, या जो जहाज होती हैं, या जो भी और भी पिंड होते हैं, उनकी जानकारी हासिल की जा सकती है। तो इस प्रकार से सोनार जो मेथड है, सोनार क्या है, ठीक है ना, इससे सुन लीजिए, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा या चाल मापने के लिए इन पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। सोनार में एक प्रेषित तथा एक क्या होता है, संसूचक होता है। प्रेषित पराध्वनि उत्पन्न करता है, तरंग उत्पन्न करता है तथा उसको प्रेषित भी करता है। ये तरंगे जल में चलती हैं, पानी में चलती हैं तथा समुद्र तल में इनसे टकराने के पश्चात परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण ली जाती हैं, और संसूचक जो है पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है, जिनकी उचित व्याख्या करके अनेक चीजों की जानकारी हासिल की जा सकती है। तो सोनार विधि होती है। अब जो सोनार, इससे संबंधित कुछ जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं, संख्यात्मक प्रश्न दिए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं संख्यात्मक प्रश्न, उनको भी हम देख लेते हैं। जो मैं बुक्स निकाल लीजिए, उसमें पेज बता रहा हूँ, उसमें संख्यात्मक जो प्रश्न है उनको देखते जाइए। ठीक है ना, आंकिक प्रश्न 189 पेज पर देखिए, 189 बुक्स सभी के पास है। 189 पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, सभी बुक्स खोल ली, सभी ने हैंड ऊपर करिए, बुक्स खोल ली, 189 पेज नंबर 189। कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड पश्चात सुनाई देती है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड पश्चात सुनाई देती है, यदि ध्वनि की चाल कितनी है, 342, ध्वनि की चाल 342 मीटर प्रति सेकंड हो, तो स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, और हमको दूरी ज्ञात करना है।
तो दिया क्या क्या है हमको, इसका हल देखें। भी का मान दिया है, चाल दी है उसकी, चाल दी गई है, चाल भी बराबर 342 मीटर प्रति सेकेंड। और समय कितना दिया है, टी का मान, टी का मान दिया है 3 सेकेंड। ये टी का मान भी दिया गया है, ये दिया हुआ है हमको, ठीक है। अब प्रतिध्वनि, तो ध्वनि को जाने और वापस आने में कितनी दूरी तय की जाएगी, उसके द्वारा 2D दूरी तय की जाएगी। ध्वनि तरंग को, ध्वनि तरंग को जाने व पुनः वापस आने में, वापिस आने में 2D दूरी तय की जाएगी, तय की जाएगी। डी दूरी जाना, ये मान लिया, डी वापिस आना, ठीक है। कितना हो जाएगा, डी धन डी बराबर 2D लिख दिया अपन ने। अब चूंकि हम जानते हैं चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, चाल या दूरी बराबर लिख सकते हैं चाल गुणित समय, चाल गुणित समय। दूरी कितनी है, 2D, चाल, चाल भी है, समय टी है। हमको डी निकालना है, तो डी बराबर दो नीचे आ जाएगा 1/2 वी गुणित टी, या डी बराबर 1/2, वी का मान कितना दिया है 342 दिया है वी का मान, और समय कितना दिया है 3 सेकेंड। वैल्यू रख दी सभी, 342 × 3। इसको जब हल करेंगे डी का मान आ जाएगा, इसको 10 1026 हो जाएगा बटे 2, तो ये आ जाएगा कितना 813 मीटर। कितना हुआ डी का मान, 513 निकाल लिया हमने। दूरी कितनी है, 513 मीटर। तो सूत्र लगाया, जो जो चीज हमको दी गई है उनको लिख लिया। लिखने के बाद जो हमको ज्ञात करना है उसका जो फार्मूला लगाया, फार्मूला लगा के बाद डी का मान हमने ज्ञात कर लिया। इस प्रकार से जो प्रश्न है पेज नंबर 189 पर, वो उसका सलूशन ये होगा, उसका मान आ जाएगा अथवा परावर्तक सतह के बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी, 513 मीटर। ठीक है, क्लियर हुआ। नसुल्लागंज सीहोर, आप लोगों को आवाज आ रही बेटे, बैठे हुए क्लास में, ये जो न्यूमेरिकल्स दिया आपको दिखाई दे रहा, हाँ हैंड ऊपर करिए सही से, चलिए ओके डाउन करिए। अब दूसरा न्यूमेरिकल से करते हैं, नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 193, पेज नंबर 193 पर प्रश्न क्रमांक दिया है, पेज नंबर 193 पर हम पढ़ रहे हैं इसको क्वेश्चन को। एक पनडुब्बी सोनार स्पंद उत्सर्जित करती है जो पानी के अंदर एक खड़ी चट्टान से टकराकर 1.02 सेकंड के पश्चात वापस लौटता है। यदि खारे पानी में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड हो तो चट्टान की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मिल गया सभी को क्वेश्चन से, सभी को क्वेश्चन मिल गया। छिंदवाड़ा में बुक से निकाल रहे थे अभी, आपने क्वेश्चन पढ़ दिया, पांडुनाथ छिंदवाड़ा क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, हैंड नीचे करिए, फिर से क्वेश्चन पढ़िए। एक पनडुब्बी सोनार
उत्सर्जित करती है जो पानी के अंदर एक खड़ी चट्टान से टकराकर 1.02 सेकंड के पश्चात वापस लौटता है। यदि खारे पानी में ध्वनि की चाल कितनी है 1.53 मीटर प्रति सेकंड हो तो चट्टान की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसको सोल्यूशन देखें इसका, तो हमको टी का मान दिया गया है 1.02 सेकेंड। टी का मान लिख दिया 1.02 सेकेंड दिया है। चट्टान और पनडुब्बी के बीच की दूरी अपन ने डी मान ली, चट्टान तथा पनडुब्बी पनडुब्बी के बीच की दूरी बीच की दूरी डी मानी, ठीक है। तो पराध्वनि द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, डी जाना और डी वापिस आना। तो पराध्वनि द्वारा चली गई दूरी, पराध्वनि द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी 2D हो जाएगी, डी जाना और पिसाना, ठीक। अब 2D बराबर वही सूत्र जो हमारा होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका उपयोग फिर से किया, दूरी बटे समय या दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या जाएगा, चाल इंटू समय। दूरी कितनी है 2D, चाल चाल कितनी दी है 1531 और समय कितना दिया है 1.02 सेकेंड, 1.02 सेकेंड। या इसको लिख सकते हैं 2D कितना जाएगा इसका हल 1561.62, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1561.62 या डी बराबर 1561.62 अपॉन 2। तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 780.81 मीटर, ये डिस्टेंस निकल आएगी, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन इस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हमको जो जो चीज लिखना है जो दी गई है, टी का मान दिया गया है, भी का मान दिया गया है और डी हमको निकालना है, ठीक है। नोट कर लिया इसका सोल्यूशन, चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और है, प्रश्न क्रमांक 20 देखें, 20वां प्रश्न दिया है 197 पेज पर 197 पेज पर देखें 20वां प्रश्न। मिला सभी को, सभी को मिल गया है प्रश्न जी, नरसिंहगढ़ राजगढ़ MPS प्रश्न मिला आपको बेटे। चलिए अब इसको पढ़ें, देखिए एक पनडुब्बी पर लगी एक सोना युक्ति संकेत भेजती है और उनकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड पश्चात ग्रहण करती है, ठीक है। प्रतिध्वनि पहले जाएगी फिर उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड पश्चात ग्रहण करती है। यदि पनडुब्बी से वस्तु की दूरी 3625 मीटर हो तो ध्वनि की चाल की गणना कीजिए। अब हमको ध्वनि की चाल ज्ञात करना है, इसमें डी का मान दिया है, समय दिया हुआ है, अब ज्ञात करना हमको ध्वनि की चाल ज्ञात करना है।
इसको देखें इसका हल। तो हमको d का मान दिया हुआ है, d बराबर कितना दिया है 3625 मीटर, समय t दिया हुआ है, समय कितना दिया है 5 सेकेंड समय दिया हुआ है। अब जो सूत्र हम जो होता है जो अपन जानते हैं सूत्र, अभी जो बताया था आपको कि कितना होता है सूत्र, क्या होता है v बराबर 2d बटे टी, हमको d निकालना है इसमें, v निकालना है, तो v 2 d का मान कितना दिया है 3625 मीटर बटे समय, समय दिया है 5 सेकंड, 5 रख दिया, ठीक है। इसको हल करेंगे तो v का मान आ जाएगा 1450 मीटर प्रति सेकंड, यूनिट रख लिख देंगे इसका मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से ये जो न्यूमेरिकल्स थे आपके ध्वनि वाले चैप्टर में, जो इको सिस्टम या पराध्वनि या प्रतिध्वनि, ये जो सवाल जिसके पहले भी मैंने करवाए थे इसी चैप्टर में, तो इसमें आज भी इस चैप्टर के लिए जो आज इसका क्लास दी गई है थी, तो जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने आपको बताए जो बुक्स में दिए हुए हैं, जो अभ्यास में दिए हुए हैं आपकी, और भी कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं बुक्स में, उनको भी आप हल करिए। तो आपको जो भी कंटेन है, जो प्रतिध्वनि है या जो पराध्वनि है, इनके उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जिस प्रकार से एक बार और किसी को कुछ पूछना है, ठीक है ना, तो आप पूछ सकते हैं, और जो भी क्वेश्चंस हैं, यदि मैं आपसे कुछ पूछूं तो आपको भी जवाब देना चाहिए, ठीक है ना। जैसे तरंग की परिभाषा मैंने बताई थी, तरंग देर की परिभाषा कोई बता सकता है कि जिसे पांडुना वाले बच्चे लिख रहे थे छिंदवाड़ा में, तो तरंग देर की परिभाषा क्या होती है आप बताएंगे किसी को? माइक है आपके पास? माइक है क्या? नरसिंगर राजकर आप बता सकते हैं? हाँ यस, हाँ बोलिए। नीमच, नीमच हेलो, हाँ नीमच से बोल रहे हैं आप? पांडुना, पांडुना, पांडुना बच्चों को किसी को आप माइक दीजिए। मैं ये पूछ रहा था कि जो तरंगदैर्ध्य की क्या डेफिनेशन होती है, बोलिए बेटे। हाँ बोलिए ना, आप जो खड़े हुए हैं सामने सीट पे बैठे हुए हैं। हाँ हाँ बोलिए, तरंगदैर्ध्य क्या होता नहीं है? आता है, बोलिए। आवृत्ति क्या होती है, इसका मात्रक क्या बताया आवृत्ति का भी? ध्यान से नहीं सुना आपने, जिससे बना है वो खड़े होके बताइए। यस हाँ बोलिए पीछे। यस सर, आवृत्ति की बताए जी। हाँ बोलिए। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन में और पुनः अधिकतम आने आने पर एक दोलन पूरा होता है, एकांक समय इन दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंगे की आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब आवृत्ति दोलनों की संख्या या कंपनों की संख्या को ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहते हैं, बहुत बढ़िया। तरंग देर की परिभाषा बताएगा कोई? तरंग देर की मैंने बताई थी अभी आपको डायग्राम के द्वारा, इसमें बना हुआ था वेवलेंथ लैम्डा को इससे दर्शाया था। बताइए। हाँ मैडम जी, कोई बोलना चाहता है? हाँ बोलिए बोलिए बेटे। सर आयाम की परिभाषा,
जी आयाम की बता दीजिए। किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों और अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। हाँ, इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या बताया था? ए से तो डिनोट करते हैं उसको। इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट बताइए। इसका यूनिट बताया होता था ना है मैंने, मीटर। ठीक है, मीटर। चलिए चलिए, ओके। अब दूसरे सर आ रहे हैं आपको, ठीक है ना? इसका रिवीजन करवाएंगे इसी चैप्टर का। जो भी है, जो भी आपके कठिन चैप्टर है, बल एवं गति, ठीक है ना, तो उसका रिवीजन सर करवाएंगे, तो आप उनको सुनिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सभी। हो गया, हो गया, बात हो गई मेरी, सब बंद कर दी सर। कर दिया।